बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमीर बख्श। आज हमारी खुशकिस्मती है कराची वालों के लिए कि माशाल्लाह बड़ी प्यारी खूबसूरत बारिश हो रही है। इस व्यू के लिए नाज़रीन कराम हम बहुत तरसते हैं। अब मैं खड़ा हूं अपने अपार्टमेंट में, कैमरामैन मेरा आपको पूरे बार का आपको व्यू दिखाएगा। माशाल्लाह कितना खुशगवार बेहतरीन मंज़र नज़र आ रहा है। दरमियान में बहुत सी बिल्डिंग है, सामने पड़ती है तनोली हाइट्स, उस तरफ सामने पड़ता है चाकीवाड़ा कलाकोट पुलिस स्टेशन, और सामने ये जो लाल बिल्डिंग बनी हुई है ये है एक दूध की दुकान। दूसरे साइड पे भी बनी हुई है मस्जिद। तो नाज़रीन इकराम, लंदन में तो अल्हम्दुलिल्लाह 2400 घंटे वहाँ बारिश होती थी। अगर एक आध दिन कोई ऐसा होता था जिसमें बारिश नहीं होती थी, कड़ाके की धूप निकलती थी, तो लोग वहाँ पर छुट्टी करके बैठ जाते थे। लेकिन तो यहाँ तो हम बारिश के लिए तरसते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत बेहतरीन बारिश हो रही है। मेरा कैमरामैन आपको जू करके दिखा सके, ये सामने तनोली हाइट्स पे पेंट हाउस बना हुआ है, परिंदे इस पर बैठे हैं। देखें माशाल्लाह कुछ देर के लिए बारिश रुक गई थी, अब बारिश मज़ीद तेज़ हो गई है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हम कराची वाले और पाकिस्तान वाले लकी हैं। लेकिन मेरे तमाम अपने व्यूअर्स, अपने बहन, अपने भाइयों से एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगा कि बारिश है बस खैर की हो, अल्लाह पाक हर किसी को नुकसान से बचाए, पाक परवरदिगार अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिस्ब अमान में रखे। जिन बेचारों के घर टूटे फूटे हैं, जिनके घर में बारिश आती है, तो अल्लाह पाक बस उनको नुकसान से उनको पाक परवरदगार बचाए। जो लोग, और एक एडवाइस मैं तमाम अपने बहनों को भाइयों को और भी दूंगा कि बारिश के मौसम में बच्चों को आप लोग बराए करम बाहर मत निकालें, क्योंकि खंभों में करंट आता है, कोई तारें वगैरह वो गिर जाती हैं, तो बहुत बड़े हादसे से इंसान दो चार हो सकता है। तो इस हादसे से अल्लाह पाक हर इंसान को बचाए, और अल्लाह पाक किसी को हर वक्त खुशियाँ ही दिखाए, पाक परवरदगार किसी तकलीफ़ मुश्किल से अल्लाह पाक हर किसी को महफूज रखे। तो ये देखें दूर का मंज़र भी, मैं अपने बच्चे को कहूँगा कि वो ज़रा दिखा दे आपको, बड़ा बेहतरीन खूबसूरत व्यू, घने बादल हैं, खूबसूरत मौसम। इस मौसम के अंदर होना तो यही चाहिए कि अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी पिकनिक पॉइंट पे वहाँ आप लोग निकलें, लेकिन अपने सेफ्टी के साथ। सबसे ज़्यादा सेफ्टी आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर किसी चीज़ का, अब सेवरेज का पानी है वो भी पता नहीं चलता है, रोड बिल्कुल कवर हो जाते हैं, कहाँ कोई खड्डा है, खाई है, कुछ नज़र नहीं आता। तो जैसे अगर किसी गाड़ी में आप जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, तो सेफ्टी आप लोग की, मैं समझता हूँ आप लोग की बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक आप लोग को अपने हिफाजत में रखे, अल्लाह पाक हर मुश्किल से आप लोग को महफूज रखे। यही टाइम होता है कि आप लोग इन्जॉय ज़रूर करें, लेकिन इन्जॉयमेंट के साथ साथ अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र आप लोग ज़रूर रखें। अब ये मानसून की बारिशें शुरू हो गई हैं, अब ये कंटिन्यू चलेंगी तकरीबन एक महीना, तो मैं समझता हूँ कि ये चलती रहेंगी। तो ये भी एक अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। बहुत से बेचारे जो काश्तकार हैं इसी के इंतज़ार में होते हैं, पूरे साल दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक करके बारिशें हों। तो वहाँ पर ये घास उगाता है, इनके माल मवेशी ले जाते हैं उनको चराने के लिए, तो उनकी इनकम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। अदरवाइज़ बहुत सी डेजर्ट एरिया हैं, तो वहाँ पर पानी वगैरह का कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं है, तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वेलकम टू यू। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ कुलियार के अंदर है नबील गबोल पार्क। तो ये पार्क का मैं आपको पूरा व्यू बता सकूँ कि माशाल्लाह कितना उम्दा बेहतरीन पार्क बना हुआ है। तो बरसात तो थी, लेकिन अब इसमें हमारे ये कैमरे वगैरह भी भीग रहे हैं, लेकिन ये कि मैं सोच ये कि अपने बहनों को भाइयों को अच्छी तरीके से हो सके मैं ज़रा व्यू दिखा दूँ। तो कैमरामैन से ज़रा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा जूम करके आसपास की जो बिल्डिंग है वो भी बता दे, सामने पुलिस क्वार्टर बने हुए हैं वो भी आपको दिखा दे। तो
बड़ा दिलकश बेहतरीन व्यू है यहाँ का। पेड़ पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं, बीच में एक चपूतरा इन्होंने बनाया हुआ है, बच्चों के लिए कुछ झूले लगाए हुए हैं, तो बेहतरीन व्यू माशाल्लाह मौसम के हिसाब से बड़ा बेहतरीन व्यू है। आगे कुछ बच्चे हमारे जो फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, ये देखें सारे कमीज़ें उतार के नहाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। अल्लाह पाक इनको बीमारी से महफूज रखे, पाक परवरदगार। तो बड़ा ज़रा कैमरा मूव करके सीधे चलें, तो आगे का व्यू अपने बहनों को भाइयों को मैं दिखाता रहूं। तो अभी बस अब मैं अपने व्लॉगिंग का एंड करने लगा हूं, ज़रा बारिश के बाद का मैं व्यू आपको दिखा सकूं कि ये मैं सामने खड़ा हूं नबील गबोर हॉल के सामने। तो अब आप देखें ये रक्शे जो जा रहे हैं, ये जा रहे हैं रंछोलेन, लेकिन अब ज़रा यहाँ का आप व्यू देख लें कितना पानी खड़ा हुआ है। तो बारिश तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी रहमत है। तो अब मैं अपने व्लॉग का एंड करता हूँ, ये रक्शे खड़े हैं, कुछ रंछोलेन वगैरह जाग रहे हैं, और ये पानी का मैं व्यू दिखा सकूँ कि यहाँ पर कितनी दिक्कत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश तो तमाम लोग कुछ हैं, लेकिन कुछ निकासी आपका भी कोई सिस्टम होना चाहिए। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे, हर मुश्किल से पाक परवरदगार महफूज रखे, लेकिन अपने बच्चों को बराए करम आप लोग बाहर न छोड़ें, जैसे किसी खंभे के नज़दीक या बिजली की कोई तारें वगैरह निकल जाती हैं, इस चीज़ से ज़रा आप लोग अवॉइड करें, अपने बच्चों को हिफाजत रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।